सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडियन आर्म फोर्सेस के मुकाबले में कितनी अलग हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस होती क्या हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस एक सेमी मिलिट्राइज फोर्स है जिसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, सब कल्चर और यहाँ तक कि फंक्शन भी एक प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स यानी आर्म फोर्सेस की तरह ही होता है, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। और युद्ध काल में पैरामिलिट्री फोर्सेस देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आर्म फोर्सेस के सहायक दल के रूप में भी काम करती हैं। और अगर बात करें इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, तो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB आती हैं। लेकिन मार्च 2011 के बाद से CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB इन पांचों फोर्सेस को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF के तहत शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कन्वेंशनली कहा जाए तो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में मुख्य रूप से दो ही फोर्सेस आती हैं, एक असम राइफल्स और दूसरी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और जबकि बाकी की फोर्सेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तहत आती हैं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की पांचों फोर्सेस को मिलाकर करीब 14,03,700 पर्सनल्स हैं। असम राइफल भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में 1835 में स्थापित किया गया था। असम राइफल पैरामिलिट्री फोर्स को मुख्य तौर पर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स द्वारा लीड किया जाता है। और अगर बात करें दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, तो ये पैरामिलिट्री की एक स्पेशल फोर्स है जिसे मुख्य तौर पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये पैरामिलिट्री फोर्स भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स द्वारा लीड की जाती है। और वहीं अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेज में शामिल CAPF की पांचों फोर्सेज के बारे में, तो इसकी पांचों फोर्सेज यानी BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB इन पांचों को IPS ऑफिसर द्वारा लीड किया जाता है। लेकिन इन सबके अलावा एक फोर्स और है जो गृह मंत्रालय के अधीन तो आती है, लेकिन इस फोर्स को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में शामिल नहीं किया गया है। हम बात कर रहे हैं भारत की स्पेशल फोर्स यूनिट NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। हालांकि NSG स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किया जाता है और गृह मंत्रालय के अधीन होने की वजह से इस फोर्स को भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में गिना जाता है, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में शामिल ना किए जाने की वजह से NSG फोर्स को औपचारिक रूप से पैरामिलिट्री फोर्स नहीं कहा जा सकता है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के तहत आती हैं और जबकि इंडियन आर्म फोर्सेस रक्षा मंत्रालय के। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को देश के अंदर के दुश्मनों का सामना करने के लिए बनाया गया है और जबकि इंडियन आर्म फोर्सेस को देश के बाहरी दुश्मनों का सामना करने के लिए स्थापित किया गया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।